अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं राशिद अली, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो भाई सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह सुबह टाइम हो रहा है 6:29 और मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है। ये वीडियो मेरे भाई के फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सुबह सुबह हम बिल्कुल साफ़ सफाई करने लगे हैं क्योंकि आज हमने किसी को दावत करी है तो वो आने वाले हैं, इसलिए आज सुबह सुबह हमने उठ के साफ़ सफाई करना शुरू कर दिए। और भाई झाड़ू वगैरह तो पूरा लग चुका है, अब लगाना है पानी। चेक करें गाइस, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी वगैरह लग चुका है एक चुटकी से। और अभी यहाँ पर हम दो चार पाई ले आते हैं। चेक करें गाइस, दो चार पाई यहाँ आ चुकी हैं और इनको सेट करते हैं अभी थोड़ा सा आगे करके। दोस्तों ये सूरज को देखें, अभी भी इतना ही खड़ा है, ये पता नहीं क्यों लेट उठता है हम सभी। अभी हम लेने आए थे दही और वो भी ले लिए। दही लेने के बाद अभी जा रहे हैं वापस और वापस ये देते। सुबह सुबह भाई दही लेने आए थे, मिलती नहीं है कहीं पे, बहुत मुश्किल से मिली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है वगैरह। ओके सर, वीडियो भरी है, तकड़ा होता है सर। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी मेरे मोबाइल में चार्जिंग है तो मैं यहाँ पर आया हूँ अपने रूम पे, यहाँ पर आया हूँ और मैंने लेनी है OTG। तो मैं भाई के मोबाइल से अपना मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ। टेक्निक है भाई अपने पास, टेक्निक है। गाइस सुबह सुबह का वेदर चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर देखें जरा, वाओ सो ब्यूटीफुल भाई, कितना गजब मौसम है भाई। सूरज भी अभी आ रहा है धीरे धीरे ऊपर और हम आए यहाँ पर अपने रूम पे। तो ये है हमारा रूम जिसपे यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा बिखरा हुआ है और यहाँ पर भाई हमने OTG फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर तो हमें OTG नहीं मिली, हमें यहाँ पर नई OTG लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ मेरे कपड़े हैं जो मैंने कल यहाँ पर रखे थे। भाई इन सीढ़ियों से उतरना बहुत डर लगता है। फाइनली दोस्तों मेहमान आ चुके हैं और मैं दही और चीनी लेके जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं वहाँ पर रखूँगा, इनमें से एक हमारे मौलवी साहिबान है जो मदरसा के उस्ताद हैं और दूसरे भी। भाई ताज़ा ताज़ा पराठे हैं भाई साहब, इसमें मैं पानी लेने जा रहा हूँ अभी। दोस्तों मेहमानों को खाना खिलाने के बाद आ चुके हैं अपनी आटा चक्की पर। यह है हमारी आटा चक्की, आप देख सकते हैं।
यहाँ पर आने के बाद कुछ देर यहाँ बैठेंगे और उसके बाद अब चलेंगे अपने रूम पे, जहाँ इस साइड पे अपना रूम है तो वहाँ पे चलेंगे। यहाँ पर जब तक मेरा भाई आ जाएगा तब तक मैं बैठा हूँ। दोस्तों घर से आने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने रूम पे और भाई यहाँ पर है हमारा रूम, देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको सुबह भी देखा है, अभी बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है तो अभी इसको चुटकी में साफ करते हैं। भाई प्लेट को इस तरह नहीं रख, मैं बताता हूँ, रोको एक मिनट, बताओ। इसको पकड़ो, देखो ऐसे रखना चाहिए, सही है। सीखो बेटा, कुछ सीखो। मेरी वायर भी लगा देना यार, लगा देगा। दोस्तों मैं अपने पंखे की भी वायर लगा देता हूँ, चल जाएंगे दोनों। नहीं इधर मुझे दे, उस वाली प्लेट में लगाते हैं, दूसरों की प्लेटें में लगाते हैं, उनको थोड़ी ना पता है। यहाँ पर वायर तो लगा दिया भाई, जब वीडियो देखेंगे तब पता चल जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, मैंने पहले ही उनको बोल दिया कि मैं वायर लगा दूंगा, तो अभी करने लगे हैं इसकी सफाई। दोस्तों यहाँ पे रूम की सफाई तो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और भैया ने फोन किया कि जल्दी आओ, वहां पर ना जो कैनाल है हमारी पानी वाली वो टूट गई है, सही है। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट में, पहले इसको बंद कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले जल्दी जल्दी वहां जा रहा हूँ, ये जो किनारे ना यहाँ से जा रही है ये वहां पर टूट गई है, यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे, मैं वहां पर जाके आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं वहां पर जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो पानी है टूटा है वो पूरी यहाँ पर गया है पानी सारा, क्योंकि ये जो पीछे वाली जगह है ये इसकी सतह नीचे है, यहाँ पर जो जगह है वो ऊपर है, तो यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, वहाँ पर कम है, और अभी जा रहा है पानी। देख सकते हैं कैनाल भी आधी आधी खाली हो चुकी है पूरी, इतना ज्यादा टूट गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी आ चुका है और स्पीड भी पानी बहुत ज्यादा है, इस साइड बहुत ज्यादा पानी जा रहा है। यहाँ पर इतने सारे लोग आपको जो नजर आ रहे हैं, यहाँ पर टूट गया है, बहुत ज्यादा टूटा है बता रहे हैं, जहाँ जो लोग आ रहे हैं वो बता रहे हैं बहुत ज्यादा टूट गया है, देख सकते हैं ना ऐसे ये टूटता है, जैसे ये अभी टूटने वाला है यहाँ से भी। दोस्तों इसके जो टूटने की वजह होती है वो होती है जानवर, यहाँ के जो जानवर हैं, क्योंकि देहात है यहाँ पर, तो बहुत सारे जानवर हैं जैसे कि भैंस हैं, तो वो मतलब गर्मी के मौसम में तो सारे गांव वाले यहाँ पर ही बिठाते हैं भैंसों को, तो इसलिए ये ऊपर नीचे जैसे ये होती है ना, भैंसे चढ़ती हैं यहाँ से, तो तो सब पानी की स्पीड चेक करें, इतनी ज्यादा है ना, जैसे कि सैलाब आया हुआ, तो सारी जो शुगर की फसल है ना, कमार की फसल थी, सारी डूब गई है। ये देखें अभी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई है पानी की। यहाँ पर ये लोग खड़े ना, ये बस अभी ये गिर जाएगा ये कुछ ही देर में, ये मिट्टी वो। दोस्तों इस जगह को देखें, यहाँ से कैसे पानी वो आ रहा है एकदम से।
इस साइड से जितना भी पानी आ रहा है वो आगे जा ही नहीं रहा। अब देखें यहाँ पर जो है ना काफी सारे पूल वगैरह ये पड़े हैं ना, वो आगे जा ही नहीं रहे, सारा का सारा पानी इधर आ रहा है, इस साइड कुछ भी आगे नहीं जा रहा। ऊपर से जो आगे जा गया हुआ पानी वो भी वापस आ रहा है, इतना ये टूटी है यहाँ से। और ये वाली जगह जो ये ऑलरेडी नीचे है इससे, तो इसलिए पानी की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर आप जितना भी पानी देख सकते हो वो सारा का सारा इस साइड जा रहा है। एक ट्रैक्टर भी आ गया जो कि अभी इसको बंद करने वाला है, लेकिन इससे नहीं हो सकता बंद, क्योंकि चाहे जितना भी जोर लगा ले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। और अगर ये सारा सारा ट्रैक्टर भी यहाँ खुद आ जाए ना, तभी पानी नहीं रुकने वाला जब तक ये केनाल बंद नहीं होता पीछे से। जब तक पानी इसका कम नहीं होगा तब तक बंद नहीं हो सकता ये। लेकिन कोशिश करने से हो जाता है सब काम, क्योंकि यहाँ पर पहले भी एक ऐसी तरह से टूट गया था, उसको भी बंद कर दिया गया था ट्रैक्टरों से। वहाँ पे एक ट्रैक्टर नहीं था, बहुत ज़्यादा थे। तो ये वाली जो आप देख रहे हो ये भी अभी गिरी है, ये अभी अभी गिरा है कहाँ पे। पहले ये बहुत थोड़ा गैप था, बहुत ज्यादा हो गया है। वो पीछे चला गया, ट्रैक्टर पीछे चला गया। पहले इस साइड वाली मट्टी खींच के ला रहा था, अब ये यहाँ से खींच के लाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तमाशा देखने आते हैं और बोलते हैं भाई और भी ज्यादा काम खराब हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं नुकसान ना होने दें। काफी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं और भी ज्यादा टूट जाए ताकि तमाशा देखें। जिनका नुकसान नहीं होता वो लोग कहते हैं, और जिनका नुकसान हो रहा था ना भाई उनसे पूछे कोई। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है भाई ये। दोस्तों यहाँ पर जो नहर है ना, ये भी नहर पहले बहुत ज्यादा भरा हुआ था, अभी बहुत मतलब बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो इतना लंबा नहर है तो भाई कम होने में तो टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। कुछ तो कम हो गया है अभी, बाकी यहाँ पर देख सकते हो ना पानी बहुत ज्यादा इनके अंदर आ चुका है। यहाँ से दोस्तों जब हम आ रहे थे तो पानी कुछ कम था, अभी जा रहे हैं वापस तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको जो पहले सड़क भी दिखाई दे रही थी अब वो जाहिर नहीं है, बिल्कुल पानी से भर चुका है माहौल पूरा। सुबह से आने के बाद मैं आ चुका हूँ सीधा यहाँ पे अपने रूम पे, और अभी मैं यहाँ पे ही बैठा हूँ। दोस्तों ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा था नहर टूटने वाली, ये भगड़ाखोरी नस कमुशेद से ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा था। मैं भी यहीं का हूँ, और
ये वीडियो जो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था इसमें पानी जितना ज़्यादा बह रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा, इसको रियल लाइफ में अगर आप देखें तो आपको समझ सकते हैं। इसका जो पानी है वो सारा का सारा फसलों में गया है और फसलों की तबाही होती है ना भाई, पानी में बहुत ज़्यादा गंदी तबाही होती है और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है इनके। तो ठीक है गाइस, बस आज के लिए इतना ही। ये मेरा पहला व्लॉग था तो आई होप आपको पसंद आएगा। अगर इसमें कोई गलती कोताही होती है तो भाई माफ़ कर देना, कोई बोलने चालने में सही है। आगे इंशाल्लाह जितनी भी वीडियोज आएंगी बहुत ज़बरदस्त आएंगी, तो इसलिए भाई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।